गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का केके ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आप सभी लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसका वीडियो भी दिया जा रहा है, जिससे आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मतलब 20 क्वेश्चन जो आज मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 80 से 100 का क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के क्लास में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा आपका ट्रेड फीटर के, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और सेशन आपका जो है 19-21 का, यानी कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। विच पिच मतलब क्या है कि कौन कोई हेक्सो ब्लेड है जिसका यूज़ हम लोग ब्रास या ब्रोंज पर कटिंग ऑपरेशन के लिए करेंगे, उसका पिच कितना होगा। तो आपके यहाँ पिच का साइज यहाँ पर दिया हुआ है चार ऑप्शन में, 0.8 दिया हुआ है, 1.0, 1.4, 1.8। तो एक्चुअल में पिच होता क्या है, पिच क्या होता है, हेक्सो ब्लेड में एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। वह सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक होता है और हार्ड मेटल के लिए कम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1.80। ठीक है, चलिए आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपका एक हेक्सो ब्लेड है, हेक्सो ब्लेड में आपको नीचे जो इतने भी है वो सारे दांत दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पिच क्या बता रहा है, यहाँ पे एक दांत यहाँ है, दूसरा दांत यहाँ है, तो ये दोनों के बीच का दूरी को हम लोग पिच कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1.80, मतलब सॉफ्ट मेटल पर कटिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें 1.80 mm वाला पिच वाला ब्लेड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। मतलब क्या है, कोई छेनी है अगर उसका क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल होता क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर बता दें, क्लियरेंस एंगल अधिक होने की वजह से क्या होगा, सतह पर वो गड्ढा कर देगा, मतलब उसमें क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगा, जो हम लोग चोट मारेंगे तो वो गड्ढा कर देगा। तो इसका आंसर जो है डिगिंग ऑन द सरफेस, मतलब सतह पर गड्ढा करना, कटिंग एज का टूट जाएगा, छेनी स्लिप करेगा, ये सब जो बाकी जो ऑप्शन जितने दिए गए वो सब ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए इमेज में देखिए क्या है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल आपका ये वाला है। ठीक है, अगर ये क्लियरेंस एंगल अधिक हो जाएगा तो ये सतह पर क्या करेगा, गड्ढा बनाने लगेगा। इसमें और भी एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, इंक्लाइंड एंगल होता है, रैक एंगल होता है। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल आपका ये वाला एंगल को बोला जा रहा है। ठीक है, ये अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा, सतह पर गड्ढा कर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिविटिंग पर्पस। मतलब किस हैमर का यूज हम लोग रिविटिंग ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। आप सभी ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा जो कॉमन हैंड कटिंग टूल है उसमें बताया गया था कि रिविटिंग करने के लिए हम एकमात्र हैमर का यूज करते हैं जिसका नाम है बॉल पिन हैमर। स्लेज हैमर भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट हैमर इसका यूज हम लोग रिविटिंग के लिए नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल पिन हैमर। और बॉल पिन हैमर दिखता कैसा है, जैसे आप सभी लोग को इमेज में दिख रहा है, ये है आपका बॉल पिन हैमर, क्योंकि इसका एक हिस्सा बॉल के आकार का होता है। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती, तो इसका आंसर होगा मीटर पर मिनट। मतलब वो एक मिनट में वो जितना धातु को काटेगा उसको हम मीटर में नापते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट, वो कितना एक मिनट में धातु को काटा। ठीक है, मीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन में ये दिया है, ये आपका एक ड्रिल का ड्रिल है, इस ड्रिल में आपको एक्स दर्शाया गया है, ये एक्स का नाम क्या है, ये जो पार्ट एक्स इसका नाम क्या है, लिप लैंड फ्लैंक और वेब। जनरली इसके ड्रिल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट्स दिया गया है इसको हम लोग लिप बोलते हैं, LIP लिप। अब ये लिप ही क्यों बोलते हैं आपको मैं एक इमेज में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये इमेज दिख रहा है, देखिए ये बीच वाला जो गड्ढा वाला हिस्सा है इसको हम लोग फ्लूट बोलते हैं, और ये जो एक्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया, ये यहाँ पर यही वो एक्स वाला हिस्सा है, इसको हम लोग लिप बोलते हैं। इसमें चीजल एंगल होता है, लेंड होता है और मार्जिन होता है, मतलब इसके अलग अलग पार्ट है। पार्ट्स में आपको अलग अलग ये बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही पूछे, हो सकता है कि आपको
एरो यहाँ पे दे दे और इसके बारे में एक्स दे, तो यहाँ पर इसको फ्लूट बोलेंगे, ठीक है। तो ड्रिल का हर एक बॉडी का पार्ट्स नाम आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। मतलब यहाँ पर जो ड्रिलिंग मशीन दिया गया है इसमें एक्स से जो दर्शाया गया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में ड्रिल चक दिया गया है, फीड हैंडल, ड्राइविंग मोटर, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। तो जनरली अगर आप लोगों ने ड्रिलिंग ऑपरेशन किया होगा तो ये हिस्सा को आप सभी ने जरूर देखा होगा, यह वो हिस्सा है जिसमें हम लोग ड्रिल बिट को बांध करके कटिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ड्रिल बिट को जिसमें बांधा जाता है उसे हम लोग ड्रिल चक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए वाला आंसर है ड्रिल चक, यह इसका आंसर होगा, यानी ये ड्रिल चक है। अगला क्वेश्चन क्या है, What is the minor diameter of a thread? मतलब minor diameter of thread निकालने के लिए formula क्या होता है। तो minor diameter निकालने के लिए जो formula होता है, major diameter minus 2 into depth, ठीक है। major diameter क्या हो गया आपका, सबसे बड़ा व्यास minus 2 into depth। depth मतलब यह है कि चूड़ी के अंदर जो गहराई है, चूड़ी की जो गहराई होगी उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो मेरा माइनर मतलब छोटा डायमीटर मेरा निकल जाएगा। जनरली आप सभी जानते होंगे थ्रेड में 3 डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर होता है जो सबसे बड़ा व्यास होता है, एक होता है माइनर डायमीटर जो किसी भी थ्रेड का सबसे छोटा व्यास। तो हमको यहाँ पे माइनर डायमीटर निकालना था, तो माइनर डायमीटर निकालने का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब आप लोगों को इमेज में ये एक्स जो दर्शाया गया है इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं। आप सभी माइक्रोमीटर के बारे में पढ़े ही होंगे, तो माइक्रोमीटर के हर पार्ट्स के अलग अलग नाम है, लेकिन ये जो हिस्सा है इस पर थिम्बल डिवीजन होता है, इस वजह से इसका नाम हम लोग थिम्बल बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा थिम्बल। एक इमेज में देखिएगा माइक्रोमीटर का, सारे पार्ट्स के बारे में मैंने बताया है फिर से एक बार, कि जैसे कि ये पिछला हिस्सा इसे हम लोग रैचेट बोलते हैं, जिसमें थिम्बल डिवीजन होता है इसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं। ये हमारा लॉक नट है, ये सी आकार का हिस्सा इसे हम लोग फ्रेम बोलते हैं, ये है एनविल, ये है स्पिंडल, और यहाँ पर हमारा जो होता है स्लीव जिस पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर के जो जितने ही पार्ट्स है उन सभी पार्ट्स के नाम आप लोग अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ आप लोगों को एक माइक्रोमीटर का रीडिंग दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसका रीडिंग एक्चुअल में होगा क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। मतलब ये जो माइक्रोमीटर है ये 50 से 75 mm के रेंज वाला है, तो इसका रीडिंग क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका रीडिंग निकालते हैं। इसका रीडिंग एक्चुअल में होगा 63.63। अब 63.63 कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस माइक्रोमीटर का रेंज कितना है, 50 से 75, मतलब जो स्टार्टिंग रेंज कितना हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर का मेन स्केल देखते हैं, हमको ऊपर से कितना नजर आ रहा था, यहाँ 10, 11, 12, 13, मतलब ये जो आपका डैटम लाइन है डैटम लाइन के ऊपर वाला मेन स्केल हमको कितना एमएम दिख रहा है, 13 mm। तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13 mm। उसके बाद हम लोग सब स्केल को देखते हैं। सब स्केल क्या होता है, डैटम लाइन के जस्ट नीचे में अगर मेन स्केल के बाद अगर छोटा लाइन हमको नजर आएगा तो हम लोग उसको सब स्केल को यहाँ पे काउंट करेंगे। अगर इसके आगे हमको छोटा पॉइंट नजर नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर सब स्केल को मतलब नहीं जोड़ते। तो यहाँ पर सब स्केल हमको नजर आ रहा था, सब स्केल का मान कितना होता है 0.5 mm, तो 0.5 mm लिख लेंगे। और लास्ट हम लोग थिम्बल में देखेंगे थिम्बल का कितना नंबर वाला ग्रेजुएशन डैटम लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ 10, 11, 12, 13, मतलब ये 13 नंबर का लाइन हमारे डैटम लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा थिम्बल डिवीजन कितना हो जाएगा 0.13। उसके बाद हम जब टोटल को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 63.63 mm। मतलब आप लोगों के सामने ये जो माइक्रोमीटर का रीडिंग दिखाया गया है इसका एक्चुअल रीडिंग कितना हो जाएगा 63.63 mm, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये जो वर्नियर हाइट गेज है इस पर जो एक्स इंडिकेट किया गया है ये एक्स वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं। वर्नियर हाइट गेज के भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसके भाग के बारे में पूछा गया है इसको हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्लाइड बोलते हैं। इसका यूज हम लोग किसी भी मेजरमेंट को
एडजस्टमेंट करने के लिए, मतलब एक्यूरेसी में एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बीम हमारा ये जो मेन स्केल है, ये इसको हम लोग मेन स्केल को बीम बोलते हैं, और इसी में हमारा मेन स्केल रीडिंग होता है। फाइन एडजस्टिंग नट, ये नट हमारा फाइन एडजस्टिंग नट है, लेकिन ये इंडिकेट इसको कर रहा है, तो इसको फाइन एडजस्टिंग स्लाइड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, ये जो वाइस है इस वाइस का नाम क्या है। जनरली आप लोग इसको देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये बेंच वाइस की तरह लग रहा होगा, बट ये बेंच वाइस नहीं है। बेंच वाइस ये बेंच में फिट तो होता है, लेकिन ये बेंच वाइस नहीं है। इस पर एक लीवर लगा होता है जिसको हम लोग दबा करके इसको क्विकली तुरंत खोल सकते हैं, तुरंत बंद कर सकते हैं। साधारण वाइस में क्या होता है कि हम लोग हैंडल को घुमाएंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसमें एक लीवर होता है, जैसे इसको दबाएंगे तो ये पूरा इसका अंदर का थ्रेड न्यूट्रल हो जाता है और इसको खींच के तुरंत बाहर निकाल सकते हैं और पुश करके तुरंत अंदर डाल सकते हैं। तो इस वाइस का नाम है क्विक रिलीज वाइस, ठीक है। इसको हम लोग क्विक रिलीज बेंच वाइस बोलते हैं या क्विक रिलीज वाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्विक रिलीज वाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो हमारा जो एक फाइल दिख रहा है, इस फाइल में जो एक्स इंडिकेट कर रहा है जिस पार्ट्स को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो आप सभी ने फाइल के हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ा ही होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ टिप, हिल, टैंड, सेफ एज। टिप ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, हिल ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, टैंग जो हिस्सा हैंडल के अंदर होता है उसे टैंग बोलते हैं, और ये किनारा वाला हिस्सा जो कि टोटली पूरी तरह से फ्लैट होता है, इसको हम लोग सेफ एज बोलते हैं। सेफ एज होने से क्या होता है, जब हम लोग फाइलिंग करेंगे जॉब के अंदर में तो वो किसी जॉब के किनारे को घिसने से बचाता है। अगर इस पर दांत कटे होंगे तो क्या करेगा, वो किनारा को भी काट देगा, तो इसे हम लोग सेफ एज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, मतलब इस इमेज में आप सभी लोगों को जो ऑपरेशन दिखाया जा रहा है उस ऑपरेशन का नाम है क्या है। मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, ये मार्किंग तो नहीं किया जा रहा है। चेकिंग फ्लैटनेस, चेकिंग स्क्वायरनेस, सेटिंग वर्क प्लेस एट राइट एंगल। तो यहाँ पर जो जॉब है आपका फ्लैट जॉब है और उसको उल्टा करके हम लोग इसका फ्लैटनेस को चेक कर रहे हैं, मतलब समतलता को चेक कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेकिंग फ्लैटनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम लोग रफ सरफेस या कास्टिंग करने वाले जॉब पर मार्किंग मीडिया के रूप में करते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या होता है, किसी भी जॉब पर कटिंग ऑपरेशन या कोई मार्किंग ऑपरेशन करने से पहले उसके ऊपर हम लोग एक लेप लगाते हैं ताकि हम लोग जो मार्किंग करें वो हमको साफ साफ नजर आए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चारों आपका मार्किंग मीडिया है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया का यूज हम लोग फोर्जिंग या फिर कास्टिंग सरफेस पे करते हैं, तो इसका आंसर होता है सेलुलोज लिकर, ठीक है। इसको हम लोग सेलुलोज लिकर बोलते हैं। सेलुलोज लिकर होता क्या है, एक प्रकार का आपका पेस्ट होता है जिसको हम लोग जॉब की सतह पर लगाते हैं ताकि उस पर हम लोग जो मार्किंग करें वो लाइन हमको अच्छे से नजर आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्पेंट डिवाइडर पॉइंट, मतलब डिवाइडर को पॉइंट को रिशार्प करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया, एक फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर, ऑयल स्टोन। डिवाइडर आप सभी ने देखा होगा, डिवाइडर का यूज करते करते अगर उसका नीचे का नोक पॉइंट वाला हिस्सा अगर घिस जाता है तो उसको वापस नुकीला बनाने के लिए हम लोग किसका करते हैं। फाइल तो होगा नहीं, क्योंकि फाइल क्या होता है, अधिक मात्रा में धातु काटता है। ग्राइंडर भी ज़्यादा मात्रा में काटता है, और स्क्रैपर का यूज़ हम लोग हाई स्पॉट्स को फाइल कटिंग करने के लिए करते हैं। एक हमारा होता है ऑयल स्टोन, जिसका यूज़ हम लोग धार लगाने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन का प्रयोग हम लोग डिवाइडर के पॉइंट को रिशार्प करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये आपका ऑयल स्टोन का टुकड़ा है, हम लोग डिवाइडर का पॉइंट को इसके ऊपर लेकर के घिसते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेबल प्रोटेक्टर, बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या किया जाता है। तो
तो वेबल प्रोटेक्टर का यूज हम लोग जनरली किस लिए करते हैं, मेजर द एंगल, मतलब कोई मेरा जॉब है उस जॉब का कोण को चेक करने के लिए हम लोग वेबल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। वेबल प्रोटेक्टर जैसे आप लोगों को यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ये वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, वेबल प्रोटेक्टर भी कुछ इसी तरह का दिखता है। तो यहाँ पे आपका कोई जॉब है, इस जॉब में मान लीजिए कोई एंगल में कटिंग ऑपरेशन किया गया है या कटिंग किया गया है, इसका कोण चेक करने के लिए हम लोग वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द फाइल सोन। आप लोगों को इमेज में जो फाइल नजर आ रहा है इसे हम लोग कौन सा फाइल बोलते हैं, ये फाइल स्पेशल टाइप के फाइल के अंतर्गत आता है। इस फाइल को हम लोग टिंकर फाइल बोलते हैं, TINKER, टिंकर फाइल। यहाँ जितने भी फाइल है सारे स्पेशल टाइप के फाइल है, लेकिन ये जो फाइल है इसको हम लोग टिंकर फाइल बोलते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, विच भाइट्स इज यूज टू होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब। मतलब क्या है कि पाइप, होलो सिलेंड्रिकल मतलब क्या होगा, कोई जॉब है जिसके बीचों बीच में होल किया हुआ, मतलब वो पाइप है। तो पाइप को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया गया है, पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस। तो एक स्पेशल वाइस ही बनाया गया है पाइप को पकड़ने के लिए, जिसको हम लोग पाइप वाइस बोलते हैं। वो पाइप वाइस आपको दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का दिखता है। इस वाइस के जो जबड़े होते हैं उसमें भी आकार के ग्रूव कटा होता है, जिसमें पाइप आसानी से फिट बैठ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। और कंड्यूट पाइप को काटने के लिए जो हेक्सो ब्लेड का यूज करेंगे उसका पिच कितना होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि पिच के अनुसार अलग अलग तरह के ब्लेड हम लोग यूज करते हैं। सॉफ्ट मेटल पे कटिंग करना है तो 1.8 mm वाला यूज करते हैं, हार्ड मेटल का यूज करना है तो 0.8 mm वाला। तो यहाँ पर पाइप का कटिंग करेंगे तो पाइप पर कटिंग करने के लिए हम लोग 0.8 mm वाला पिच वाला ब्लेड का यूज करेंगे। मतलब जैसे आपका ये पाइप है, पाइप में हम लोग जो कटिंग ऑपरेशन करेंगे तो ये जो हमारा ब्लेड लगा हुआ है इसकी पिच कितनी हो जाएगी, 0.8 mm, मतलब एक दांत से दूसरे दांत का बीच का दूरी 0.8 mm ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। मतलब आपका जैसे कि हैक्सोइंग करने के लिए एक होता है मैनुअल, एक होता है मशीन। मशीन से अभी हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं। एक होता है आपका पावर सॉ आपका सीधा कटिंग करेगा, लेकिन एक ऐसा मशीन है जिसमें क्या हो सकता है कि आप डिफरेंट प्रोफाइल, मतलब जैसा डिजाइन में चाहें वैसा डिजाइन में आप लोग जॉब को कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें जो हम लोग मशीन का यूज करेंगे उस मशीन का नाम है कंट्यूर बैंड सॉ। मतलब इसमें क्या होगा कि आप जॉब को घुमा घुमा कर किसी भी कोण में या किसी भी एंगल में कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये दिखता कैसा है, ये आपका जो मशीन है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें एक ब्लेड लगा होता है और ये हाई स्पीड में आगे पीछे होता है। हम लोग जॉब को इसके बीच में रख करके हमको जैसे ऐसे मार्किंग में काटना है जॉब को घुमा घुमा के उस पर कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो बाकी जितने बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।